तो कॉन्स्टिट्यूशन से 16 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जहां तक महिलाओं की गरिमा एवं समान अधिकार का प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है? जहां तक महिलाओं की गरिमा एवं समान अधिकार का प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है? हाउ इज डेमोक्रेसी हेल्पफुल एज फार एज वुमेन्स डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो यहां पर याद रखोगे। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है महिलाओं की गरिमा और समान अधिकार का प्रश्न को लेकर। तो लोकतंत्र में महिलाओं को विधान मंडलों में समान मात्रा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इन अ डेमोक्रेसी वुमेन गेट इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स। लोकतंत्र में महिलाओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी वुमेन हैव गारंटेड राइट्स एंड आर द ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। लोकतंत्र में महिलाओं को सामाजिक जीवन के अधिकांश पक्षों में लिंग भेद का सामना नहीं करना पड़ता है। इन अ डेमोक्रेसी वुमेन डू नॉट फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत विधिक प्रतिमान के रूप में स्वीकृत है, जो उनकी स्वतंत्रता एवं गरिमा को प्रत्याभूत करना आसान बनाता है। इन अ डेमोक्रेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज एक्सेप्टेड एज ए लीगल पार्टीज डेट मेक्स इट इजियर टू गारंटी देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो चलिए बताइए क्या होगा, 16 का क्या होगा? डी नंबर आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, आपने सही जवाब दिया जी, कि गरिमा और समान अधिकार का प्रश्न को लेकर समान का सिद्धांत विधिक प्रतिमान के रूप में स्वीकृत है, जो उनकी स्वतंत्रता एवं गरिमा को प्रताबित करना आसान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है, डेमोक्रेसी मीन डिसेंट्रलाइजेशन, संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट, संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लोकतंत्रीय सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट। बोलो जी, बताया भी गया है आप लोगों को क्लासेज में। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा, आंसर देंगे दीजिए फटाक से, और आप देख सकते हो 17 का डी। ठीक है, स्थानीय सरकार। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? आपका मतलब कि सबका सहयोग हो, लोकल से लोकल तक का सहयोग हो। ठीक है, जो कि एक क्लास में आप लोगों को विकेंद्रीकरण पर लगता है कि 15 मिनट या 20 मिनट बहुत तरह का कुछ बताने का काम किया था गया था। तो स्थानीय सरकार 17 का डी याद रखें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा ना, तो बड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, हमेशा गड़बड़ करने का काम। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकार नहीं, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वेयर जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन, द बैलेंस बिटवीन मास पार्टिसिपेशन एंड द रूल ऑफ द एलिट। देखिए, संसदीय लोकतंत्र कौन है? सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। द गवर्नमेंट इज नॉट एंसरेबल टू द पीपल बट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायुक्त किया जाता है। पार्लियामेंटेरियंस आर डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन बी हाफ ऑफ देयर इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो भी नीचे कोट है उसका प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट गिवन बिलो। 1 2 3 2 3 1 3 2 कौन सही है आप चेक कीजिए। देखिए, ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब 1 और 3। तो यहां पर सही क्या हो गया? 1 और 3। संसदीय लोकतंत्र हुआ है कौन है? जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन है, बैलेंस बना हुआ।
हमारी सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी है, तो ऐसा तो नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी, तो गलत हो गया। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायी प्रत्यायोजित किया जाता, तो एक और तीन आंसर। संसदीय लोकतंत्र के अधीन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? मंत्रिपरिषद में पूरे रूप में साथ ही साथ एकल मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व पर फोकस किया जा रहा है ना, बोले तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कि मंत्रिपरिषद में पूरे रूप में साथ ही साथ एकल मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है ना। देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल एज वेल एज ए सिंगल मिनिस्टर। मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन कैन बी नॉमिनेटेड इन द कैबिनेट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं रखा जा सकता, यदि प्रधानमंत्री कह दे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो जब बोल दे बर्खास्त कर दिया जाएगा तो सदस्य के रूप में कोई रखा जा सकता है या नहीं। नो पर्सन कैन बी कैप्ट इन द कैबिनेट एज ए मेंबर इफ द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट ही विल बी सैक्ड। तो सेलेक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर यूज इन द कोड गिवन बिलो, रिप्लाई आंसर। देखिए तो यहां पर मेन चीज तो यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत का क्या मतलब, इससे रिलेटेड क्या है, कौन गलत ही नहीं पूछा, बोला सही उत्तर चयन करें, करेक्ट आंसर। ठीक है तो आइए देखते हैं क्या होगा। 19 का आपका डी नंबर, तो डी नंबर बोले 2 और 3। ठीक है तो अब देखिए, तो बोला जा रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। जी जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल में अगर कोई व्यक्ति का अगर नाम आएगा तो वह प्रधानमंत्री की सलाह के साथ होगा। हाँ सही है ये, मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं रखा जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री कह दे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो बर्खास्त तो फिर कहाँ रखा जाएगा, ये भी सही है। हाँ यहाँ पर है मंत्रिपरिषद में पूरे रूप में साथ ही साथ एकल मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये देखो सही नहीं होगा, तो आपका 2 और 3 ये नंबर सही होंगे। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है द एडवांटेज ऑफ अ यूनिटेरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो एकात्मक पद्धति का लाभ क्या, अधिक अनुकूलनशीलता, मोर एडेप्टेबिलिटी, दृढ़ राज्य, स्ट्रॉन्ग स्टेट, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, मोर पार्टिसिपेशन बाय द पब्लिक, सत्तावादी की कम संभावना, देयर इज लेस चांस ऑफ ऑथोराइजेशनिज्म। तो एकात्मक पद्धति होगा तो उसका लाभ क्या होगा, क्या जी उसका लाभ क्या होगा, तो आप देख सकते हो बी नंबर दीर्घ राज्य, स्ट्रॉन्ग स्टेट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए न्यूनतम जनादेश क्या है? व्हाट इज द मिनिमम मैंडेट फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो न्यूनतम जनादेश क्या होता है लोकतांत्रिक सरकार के लिए, बने रहने के प्रति आशंकाओं और जन आलोचना के संदर्भ में वर्तमान प्राथमिकताओं का निर्णायक लोक क्रिया के द्वारा उत्तर देना, रिस्पोंडिंग टू करंट प्रॉपर्टीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ परसिस्टेंस फियर्स एंड पीपल क्रिटिसाइज बाय डिसीव पॉपुलराइजेशन। न्यूनतम जनादेश क्या है, तो आइए डायरेक्ट आंसर पर फोकस करते हैं। 21 का ए नंबर यही आंसर होगा कि जनादेश, न्यूनतम जनादेश क्या है, तो बने रहने के प्रति आशंकाओं और जन आलोचना के संदर्भ में
वर्तमान प्रथमिक प्राथमिकताओं का निर्णायक लोकक्रिया के द्वारा उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। 21 नंबर आंसर सही हुआ है। और अब आप लोगों का